इस टाइम हम पैकेजेस मॉल में एंटर हुए हैं और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि हम लोग बाइक पे आए हैं और आपको अभी हम बाइक की पार्किंग की हालत दिखाएंगे कि इस टाइम क्या हो रही है। मतलब हम लोगों को आइडिया ही नहीं था कि इनके पास बाइक की जो है वो इतनी ज़्यादा पार्किंग और इतनी स्पेस अवेलेबल है कि, और मोस्टली हम लोग ये देख के हैरान हुए हैं कि ज़्यादातर फैमिलीज आ रही हैं कोई बाइक पे। लोग अक्सर परेशान होते हैं कि पता नहीं यहाँ गाड़ी ही जाती है सिर्फ, लेकिन आप ये देख से यहाँ पर बाइक्स पे बाइक्स चढ़ी हुई, आदम इकट्ठा हुआ है यहाँ पर, इतनी बाइक्स कभी नहीं देखी जिंदगी में। अभी इस टाइम थोड़ी देर पहले हमारे हाथ से मोबाइल जो है वो स्लिप हो गया था और हमारे दिल जो है वो गले में आ गए थे दोनों के, ये गया खासतौर पर डॉक्टर साहब का, क्योंकि ये मोबाइल जो है डॉक्टर साहब का है। अभी इस टाइम हम पैकेजेस मॉल में आए हुए हैं, हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना इस टाइम रश हुआ हुआ है और ये अनयूजुअल है। हम यूजुअली हर सैटरडे को संडे को चक्कर ज़रूर लगाते हैं यहाँ पर, बट कभी ऐसा हुआ नहीं कि इतना रश हो। आज जो है वो बहुत ज़्यादा रश हमें नज़र आ रहा है। अभी हम पैकेजेस मॉल से बाहर आ गए, काफ़ी रश था और अभी हम इनका एक फूड मूड के नाम से पैकेजेस मॉल ने एक स्टार्टअप शुरू किया हुआ है खाने पीने का, अभी हम वहाँ जा रहे हैं। ये भी हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा इधर जाने का, दूर से हमने हमेशा इसे देखा है लेकिन आज हम सोच रहे हैं क्यों ना अंदर जा के इसको देखेंगे इसमें क्या है। कैश है ना मेरी जेब में कैश है, कार्ड अब लेके फिर रहे हैं। अब हम पैकेजेस दोबारा जाने लगे हैं और यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं इस टाइम, फिर लाइनें लगी हुई हैं, फिर खड़ा होना पड़ेगा और भूख इतनी ज़्यादा लग रही है ना कि आपको बता नहीं सकते। बाय चांस हमें जो है ना एटीएम वो एंटर होते साथ ही मिल गई, आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोग किस तरह एंटर हो रहे हैं और हमें एटीएम जो है वो यहाँ पर ही मिल गई है। डॉक्टर साहब जो है वो एटीएम कर रहे हैं, कार्ड जो है वो छोड़ गया है, मतलब ये भी एक बड़ा एडवेंचर हुआ है, हम आपको दिखाते हैं इसमें। एटीएम में कार्ड जो है वो बार बार आ रहा है और जा रहा है और अब वो देखें कैप्चर हो गया, अभी कैप्चर हुआ है यहाँ पर कार्ड। अब डॉक्टर साहब जो है वो ज़रा आप भी ध्यान से कीजिएगा, वाइट कढ़ाई हमने दी है। वाइट कढ़ाई मैं खुद भी बड़ी अच्छी बना लेता होता हूँ, तो अभी हम उसका भी टेस्ट करेंगे, इसको भी टेस्ट करेंगे, फिर इकट्ठा आपको रिव्यू देंगे। हमारी अब कढ़ाई भी आ गई हुई है, तो हम ऑलरेडी जो है वो पाए जो है वो हम खाना शुरू कर दिए थे हमने, अब हम कढ़ाई भी खाएंगे साथ, तो आपको फुल रिव्यू देंगे इसका। वैसे की बात है कि ये थी वाइट कढ़ाई लेकिन वाइट कहीं से नज़र नहीं आ रही, अगर आप एक नज़र देखेंगे ना आपको महसूस होगा जैसे ब्राउन या कोई ब्राउन कढ़ाई लग, ब्राउन कढ़ाई है बट जैसे कि ये वाइट कढ़ाई है। मैंने उससे पूछा भी, मैं कहा यार ये वाइट है, वो कहता हाँ जी सर वाइट कढ़ाई है, और भी इसको टेस्ट करके देखते हैं ये ना उसका टेस्ट बिल्कुल ही ब्लैक हो। बेशक क्वालिटी थी लेकिन टेस्ट बहुत मज़ेदार है, जिस तरह कढ़ाई होनी चाहिए, स्पाइसी हॉट और बड़ी टेंडर एंड सॉफ्ट बोटियाँ जो इजीली आप ब्रेक कर पा रहे हैं जी। अभी एक और चीज़ जो हमने बड़ी महसूस की है वो ये है कि जो फोक मैं इस टाइम पकड़ के पी रहा हूँ ये ठंडी बिल्कुल नहीं, मतलब आपको ठंडी नहीं मिलेगी यहाँ से। दूसरा जो एक
वी जस्ट गॉट टू अपना रायता और सलाद इनके पास है ही नहीं। तो मेरा ख्याल ये है कि जब आप देसी खाना खा रहे होते हो तो आपका सलाद साफ ना हो तो वो एक पैकेज ही नहीं बनता खाने वाला, उसमें आप डॉक्टर साहब कुछ कहेंगे? बल्कि आप अगर फ्रेश सैलड हो ना तो आपको एक फ्रेशनेस का एहसास हो रहा होता है, साथ साथ आप कीड़ा वगैरह खा रहे हो ना तो आपको मज़ा आ रहा होता है, लेकिन वो अगर ना हो ना देसी खाने के साथ तो मेन्यू कम्प्लीट कम्प्लीट सा नहीं नज़र आता है। अच्छा जी, एक पथेटिक चीज़ जो लगी है अभी हम लोग यहाँ पर अपना जो है खाने के लिए वेट कर रहे हैं और इन्होंने अभी तक हमें रोटी नहीं दी, जिसको कम से कम कोई मेरा 10 सेगमेंट हो गए हमने इनको कहा हुआ था और अब आ रही है। दूसरा जो यहाँ पर एक मसला है ये सारा ना सेंट्रलाइज्ड है, उससे होता ये है कि वो ऑर्डर टेकर कोई एक आधा ही आपको यहाँ कहीं पीछे नज़र आ रहा होगा, वो एक ही ऑर्डर टेकर है और वही उसी ने ऑर्डर लेना है, उसी ने इन सारों को बताना है ये जितने भी बजा पाए। और ये तीसरी चीज़ ये पहे जो है आपको नज़र आ रहे होंगे, कोई बोटी चोटी अब तक खाई गई कोई वो नहीं खाया गया, इसका टेस्ट भी पथेटिक है और ये हम किसी को भी रेकमेंड नहीं करेंगे कि ये खाएं। बोटी सख्त पड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि पकी नहीं हुई सही प्रॉपर, और ये और जो मसाला है उसका वो बिल्कुल टेस्टलेस सा था, तो वो ऐसे ही हमें लग रहा था कि इसका बड़ा फाइन टेस्ट है कढ़ाई का। ये अब रोटी अब दे के गए हैं। अच्छा एक चीज़ इसके अंदर जो मुझे थोड़ी डाउट साफ लगी है वो ये है कि इसके अंदर ना तेल अगर आप देख पा रहे हो तो तेल इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, बाकी ये है कि ग्रेवी भी है बट स्टिल तेल है इसमें, तो कुछ एक हिसाब से हेल्थ पे भी आपके जो है ये इफेक्ट कर सकता है। बिल आ गया और हमारी आंखें बाहर आ गई, बिल जो है 1770 का है, बाहर सारा इसमें से भी 140 रुपये कटेंगे क्योंकि पानी हमने पिया नहीं है, खोला नहीं है, एक खोला है तो वो एक हमें बोतल पड़ेगी और कोई हमें बोतल नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें ये नहीं समझ आया कि कढ़ाई 690 की है, रायता ये जो दो छोटे छोटे नहीं दिए 140 का है ये वाला, नान 5 हमने खाए हैं 100 रुपये के, वो मतलब 20 रुपये का एक नान है आपको, मतलब वही जो एट पार होता है रेस्टोरेंट्स में आपको वही रेट मिल रहा है, मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा सा ख़राब हुआ है कि हम समझ रहे थे कि यहाँ पर इकोनॉमिकल खाना होगा, दो इकोनॉमिकल है लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह का इन्होंने एम्बियंस और बाकी चीज़ें दी हैं। द एंड ऑफ आवर व्लॉग, आज हमने यहाँ पर पैकेज मॉल में जो ये फूड कोर्ट था बाहर का उसका हमने रिव्यू दिया कि वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, कौन सी चीज़ हमने ट्राई की है, क्या बेहतर है, तो इससे आप लोग शायद बेहतर आइडिया लगा सकें कि अगर आप दोस्त हैं फैमिली है या कोई भी अगर आ रहा है वो क्या एक्सपेक्टेशन ले के आए यहाँ पर खाना खाने के लिए और किस तरह के, क्योंकि इस तरह के मॉल जो हैं वहाँ पर हर कोई चक्कर लगाता है, हर किस्म के लोग आते हैं, तो हर एक को हमने बजट का भी आइडिया दे दिया है और उसमें हमने ये भी बता दिया है कि क्या चीज़ बेस्ट है आप ट्राई करने के लिए, अगर फज्जे के पाए खाएंगे आप तो वो हाई पे गलत क्रिएट हुई भी है, तो जो बड़े आउट क्लास होते हैं उससे अच्छे आपके शायद घर में आपकी वालदा आपकी कोई भी जानने वाला जो है वो उससे बेहतर बना लेता हो। दिस इज़ द व्लॉग ऑफ आवर डे टुडे, मतलब आज हमने ये किया, हर वीक हम आते रहेंगे, इसके लिए आपने बस हमें हेल्प ये करनी है ताकि हम आपके लिए बनाते रहें इस तरह के रिव्यूज़। यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल। डॉक्टर साहब इसमें कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें तो? नहीं, मैं तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करूँगा जो कोई भी इधर आगे एक शौक से ये व्लॉग देखते हैं, बट हमारा मकसद ये है कि क्योंकि हम एवरी वीकेंड जो है ना एक टाइम आउट होता है हमारा जिसमें हम बाहर जाके खाते पीते हैं घूमते फिरते हैं, तो हमें ये ख्याल है कि क्यों ना ये एक्सपीरियंसेस हमारे सिर्फ अपने लिए ना हो, क्यों ना ये हम अपने ऑडियंस के साथ व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें, और ये दिस इज़ नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल, ये नेचुरल कैजुअल स्क्रिप्टेड है और हम जिस तरह नॉर्मल चलते हैं ये उसी तरह ही है, तो विश अस बेस्ट ऑफ लक।